अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की भुनी हुई दाल। इसके लिए मैंने एक पाव मूंग मसूर की मिक्स दाल 2 घंटे पहले भिगो ली है, और इसके अलावा मैंने एक बड़ी प्याज कटिंग करके यहाँ पे रख ली है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, रेड चिली फ्लेक्स, और 1 स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून फुल मैंने नमक लिया है इसके लिए, और मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें काट के रख ली हैं, 3 अदद बड़े टमाटर लिए हैं, और 1 छोटा कप मैंने घी लिया है। अगर आप मार्जरीन यूज़ करना चाहते हैं या ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। घी मैंने पहले से गर्म कर लिया है। व्यूअर्स, ये डिश नहायत ही खुश शक्ल, खुशबूदार, जायकेदार होने के साथ साथ बनाने में नहायत आसान भी है, और एक स्पेशल क्वालिटी है कि ये बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाती है, और रोटियों और चावलों के साथ यकसा तौर पर इसे पेश किया जा सकता है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं प्याज को पहले लाइट ब्राउन करूंगी, जो मैंने पहले से काट के रखी है। तो में ये लाइट ब्राउन हो जाएगी, ये बहुत आसानी से तैयार हो जाती है, और ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो फुल ऑफ प्रोटीन है। ये 2-3 मिनटों में लाइट ब्राउन हो जाएगी, और मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी मिर्ची और हल्दी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली कारामत वीडियोस मिलती रहें। हम प्याज को सिर्फ लाइट ब्राउन करेंगे, और साथ ही हम मसालों को अच्छी तरह से इसमें रोस्ट करेंगे। ये जो मिट्टी की हांडी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे जायका दोबाला हो जाएगा इंशाल्लाह, सब तमाम लोगों को पसंद आएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक, कुटी हुई मिर्ची और हल्दी। जब भी आप कभी दाल बना रहे हो, किसी भी किस्म की दाल हो, नमक हमेशा मिडिल प्रोसेस में ऐड करें, सॉल्ट पहले से ऐड ना करें। अगर आप बिल्कुल बिगनिंग में सॉल्ट ऐड कर देंगे तो इससे दालों के गलने का प्रोसेस रुक जाता है। तो इसी यही वजह है कि मैंने सिर्फ अभी रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स जो हैं, कुटी मिर्ची और हल्दी ऐड की है। अदरक लहसुन मैं इसमें भून रही हूँ। 2-3 मिनटों के बाद मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करूँगी, और इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी। जी व्यूअर्स, अदरक लहसुन का पेस्ट पूरी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें टमाटरों को शामिल कर रही हूँ, और हरी मिर्चों को मैंने शामिल कर दिया है। सॉल्ट मैंने बचा लिया है क्योंकि ये मैं मिडिल स्टेज में डालूंगी जब दाल अच्छी तरह से गल चुकी होगी। अब मैं 5 मिनट्स के लिए इसे ढक कर रख रही हूँ ताकि टमाटरों का जूस अच्छी तरह से निकल जाए, टमाटर गल जाए हमारे। व्यूअर्स, देखें हमारे टमाटर मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। अब मैं इसमें ये तमाम दालें ऐड कर रही हूँ। जी जनाब, मैंने तमाम दालों को इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे इसी तरह 2-3 मिनटों तक खुली हालत में हाई फ्लेम पर भूनूंगी, इस हद तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश हो जाए और हमारी दाल फ्राई हो जाए। जी व्यूअर्स, मैंने दालों को भून लिया है
5 से 6 मिनट लगे मुझे इसे भुनने में। अब मैं तकरीबन 2.5 से 3 गिलास पानी इसमें शामिल कर रही हूँ और मैं तकरीबन इसे 25 से 20 मिनटों के लिए इंतहाई लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी और दरमियान में एक दो मरतबा मैं इसे चेक भी करूंगी। तकरीबन 3 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल किया है। जी व्यूअर्स, 10 मिनट गुजर चुके हैं और दालों ने ये शक्ल इख्तियार कर ली है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें तमाम का तमाम सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मैं 1 टेबल स्पून फुल यूज़ करती हूँ। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और अगर कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टेस्ट के मुताबिक। अब मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है और एक बार मैंने इसे मिक्स भी कर दिया। आप देखें हमारी दालें अब गलने के प्रोसेस पर हैं। मैं मज़ीद 10 मिनटों के लिए इसे छोड़ रही हूँ लो फ्लेम पर। जी व्यूअर्स, 25 मिनटों के बाद मेरी दाल ने ये शक्ल इख्तियार कर ली है। ये मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। अब मैं बर्नर ऑफ कर रही हूँ और ये टाइम है इसे डिश आउट करने का। तो लजीज और हेल्दी दाल रोटियों के साथ, चावलों के साथ सर्व करें। मुझे यकीन है बड़े भी पसंद करेंगे और बच्चे भी। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि हम रोज़मर्रा के खानों को किस तरह से चटपटा, मज़ेदार और स्पेशल बना सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह निगेबान।